सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी के हजारों सदस्यों ने मंगलवार को अनोखे अम्ब्रेला रैली यानी छाता रैली में हिस्सा लिया। छतरियों की यह रैली 2019 के आम चुनाव को लक्ष्य में रखकर निकाली गई। समीक्षक इस रैली को विपक्षी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के खिलाफ क्षमता प्रदर्शन की नज़र से देख रहे हैं। पिछले महीने पश्चिम सिक्किम में अम्ब्रेला रैली निकाली गई थी और अब यह हर जिले और चुनाव क्षेत्र में निकाली जाएगी। बता दे कि अम्ब्रेला यानी छतरी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पार्टी का चुनाव और पार्टी चिन्ह है। अब ये छाता रैली तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, वो सिक्किम से शुरू हुआ था, अभी इस पूर्व में चल रहा है। हमने 4 तारीख से पूर्व में शुरू किया, 4 तारीख को रैली रीनक निर्वाचन क्षेत्र से शुरू हुआ और 6 तारीख को भी नाथन माचुंग और छुचाचेन कॉन्स्टिट्यूंसी ने किया, तो आज पूर्व सिक्किम में हो रहा है जहां राजधानी गैंगटोक पर हम 5-6 क्षेत्र मिलकर एक साथ कर रहे हैं हमारा कैपिटल में राजधानी में। और ये मकसद ये है कि ये पार्टी जनता के साथ जुड़ने के लिए कार्यक्रम हो रहा है। आज सरकार चला हुआ कितना 24 वर्ष हुआ है, पार्टी चला हुआ 26 वर्ष हुआ है, तो हम तो पूरा महीना पूरा दिन गांव में काम चलाता है। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत के जिम्मेदार सुनील देवधर को अब आंध्र प्रदेश चुनाव की बागडोर संभालने बुलाया गया है, साथ ही उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। बीजेपी त्रिपुरा इकाई के प्रभारी के तौर पर देवधर काम करते जाएंगे। न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अगरतला पर पद्मफूल लहराया, अब अमरावती पर पद्मफूल लहराने के लिए भेजा है और मैं ये यहाँ रहकर देखूंगा कि यहाँ पर जो जहरीली बेल कम्युनिस्ट पार्टी की जो राज्य से उखाड़ कर जो जनता ने फेंक दिया है वो वापस गलती से भी आना पन पे। टू एंश्योर दिस माय त्रिपुरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंटिन्यूड। और जो भ्रष्टाचार आंध्र प्रदेश में केंद्र सरकार ने इतना कुछ दिया लेकिन हमारे ही साथ अलाई जो थे उन्होंने कुछ नहीं किया और जब पूरी तरह से फेल्योर हो गए तब अपनी गलती का ठिकरा दूसरे के सर पर फोड़ते हुए सपोर्ट हटा लिया उनको सबक सिखाने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए। वहाँ पर मुरलीधरन जी जैसे काबिल प्रभारी को भेजा है जो सारा जीवन कम्युनिस्टों के साथ लड़ते आए हैं और साथ साथ मदद करने के लिए मुझे भी भेजा है। एक तो आर्किटेक्ट नरेंद्र मोदी जी थे, आर्किटेक्ट अमित भाई शाह जी थे, न होते मोदी जी और अमित शाह त्रिपुरा हम कभी जीत नहीं सकते थे। उन्होंने जो ध्यान दिया केंद्रीय पार्टी के नाते, जितना समय दिया, जितनी स्ट्रेटेजी बनाई, जितना सहयोग दिया और मोदी सरकार ने जितना बेहतरीन काम करके दिखाया, इन सभी का परिणाम त्रिपुरा की जनता के ऊपर हुआ। प्रज्ञा भवन में लिंग संवेदनशीलता पर एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने कहा कि हमने सामाजिक परिवर्तन के जरिए सत्ता परिवर्तन शुरू किया है। राज्य महिला आयोग ने इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस कर्मियों को लिंग संवेदनशीलता पर जागरूक करने के उद्देश्य से किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहू भी उपस्थित थी। उन्होंने पुलिस कर्मियों से थाने में मामला दर्ज कराने आई महिलाओं के साथ सद्व्यवहार करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने राज्य की पुलिस को 5 अपराधों पर खास तौर से बलात्कार, हत्या, सिंडिकेट, नशीली दवाओं की तस्करी पर नियंत्रण रखने का आदेश दिया। गांजा का कारोबारी हो, नेशा कारोबारी, पेंसिल का हो, ब्राउन शुगर हो और सिंडिकेट, इसमें किसी का नहीं सुनता। लॉ जो कहता है वही लागू करता और उसको लागू करते समय सभी धाराएं ठीक तरह लागू कर रहे हैं क्या? पर ये 5 चीज जो मैंने बोला, ये 5 चीज मेरे पुलिस कर सकता है, मैं जानता हूँ। आइजोल के समीप फलकौन में मुख्यमंत्री लालथन हावला ने मिजोरम के पहले मेडिकल कॉलेज मिजोरम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री लालथन जारा, सम्मानित अतिथि के तौर पर वित्त मंत्री लाल साउता, खेल मंत्री जेडिन तलुआंग और प्रदेश के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। मेडिकल कॉलेज में मौजूदा 62 छात्र-छात्राओं को दाखिला दिया गया है। मेडिकल कॉलेज की पहली कक्षा 8 अगस्त से शुरू होगी।